सब पता नहीं, कोई टट्टी करके फेंका है, कोई कुछ करके फेंका। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग एंड मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में आपको आज हम लोग इस फर्स्ट ब्लॉग में प्लांट ही लगाएंगे जो कि मैं गोरखपुर से लेके आया हुआ हूँ। और अभी हम चलते हैं प्लांट को लगाने के लिए। ये ऑल टाइम फ्लावर है, ये ऑल टाइम फ्लावर है जो प्लांट को तो मैंने एडजस्ट कर दिया है। ये बल्टी फूफू कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम सेकेंड प्लांट को सेटअप करने जा रहे हैं उस स्टेयर पे, वहां पे सेटअप कर दिए हैं। एक प्लांट को मैं सेटअप करूंगा। ये हमारा यहाँ पे मैं गड्ढा दुखान दिया हूँ एंड लेकिन इसके पहले मुझे पानी डालना पड़ेगा एंड ये सूरज लेंगे और मैं पानी लेके आ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अरे तू जा रही है। इसे काम करने के लिए दिल कलेजा सब कुछ पढ़ाना चाहिए। ये देखिए थर्ड प्लांट को मैं सेटअप करने जा रहा हूँ यहाँ। ये सीसी देख रहे हैं, ससुर लो सीसी पीपी इतना देश को बर्बाद कर देख रहे हैं भाई का पसीना। सर का प्लांट लगाने में कमर ये टेढ़ हो गई सर। ये रहा थर्ड प्लांट जो कि मैं इसको सेटअप करने जा रहा हूँ। अभी जो है ना यहाँ पे टूट गया है, सो इसको मैं अभी कट करना पड़ेगा। यस, तो दोस्तों ये रहा मेरा थर्ड प्लांट और इसको मैं सेटअप करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो दिखा यहाँ पे बहुत बड़ा करीसा था, अभी जस्ट यहाँ से भाग गया है, इसको हटाया गया है, थोड़ा सा बच गया है, साला ने तुमको कट काट लिया होता आज तो प्लांट की जगह मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता। ए यार पनिया लगे आओ ना, मर दो तू नहीं साला। तो गोरखपुर में ऐसा हो गया है कि बस स्टैंड पे जब आइए तो एक चीटी एक चिड़िया भी लेके आएंगे तो उसका भी एक किराया लग रहा है। इस समय चार प्लांट लाया हूँ, 80-80 रुपया इसका लगा, हर चौका 32, 320 रुपया इसका लग गया सिर्फ प्लांट लगाने में। गांव की ये सार्वजनिक प्लांट है, अब तो मेरा रहा ना, अब गांव की जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से पानी में डालते रहें। साला सब पता नहीं, कोई टट्टी करके फेंका है, कोई कुछ करके फेंका है, क्या करें। ये फोर्थ प्लांट को मैं सेटअप करने जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए सारस आ रहा है, देखिए कितना बड़ा सारस है। आ जाओ। वही वफादार एक सारस पक्षी हमारे देश में पाया जाता है। यूपी में जो है सबसे ज़्यादा सारस की मात्रा पाई जाती है, जो कि अभी आरिफ और सारस का आप लोग वीडियो देखे हैं। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का एक डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है बाथरूम और टॉयलेट सभी चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं हमारे ग्राम सभा में। जो कि कोई किसी के घर अगर बारात आ रही है, शादी हो रही है, तो यहाँ पर आप आके यहाँ पर फ्रेश हो सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि जो भी आए यहाँ पे नेचर दिखे। सो अभी मैं सेटअप करने जा रहा हूँ इस प्लांट को। भाई प्लांट को बचा दीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं। तेल वाला जो आता है। एंड ये मेरा फोर्थ प्लांट है और इसको भी मैं अभी सेटअप करने जा रहा हूँ। ये रहा सेटअप पॉइंट एंड फ्लावर प्लांट। सो इसको मैं पहले वाटर को इसमें सोक कर दे रहा हूँ। एंड दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो आप चाहें तो मेरा सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे प्लांट्स और अपने विलेज को, बाकी विलेज को भी आप लोगों का अगर प्यार रहा, सहयोग रहा, तो मैं कई हज़ारों में ऐसे प्लांट लगाना चाह रहा हूँ। मैंने चारों प्लांट को सेटअप कर दिया है और
आप लोगों को ये मेरा प्लांट लगाने का आइडिया कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर से बताएं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर से दें और अपनी राय भी मुझे दें। एंड अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है तो नेक्स्ट मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। और तब तक के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। सभी लोग मेरे जैसा काम कर सकते हैं और एक देश में एक जागरूकता ला सकते हैं एक प्लांट को लगाने के प्रति, नेचर को सुरक्षित करने के लिए जो कि हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। फिर से अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत सारी जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए।